गणेशन चतुर्दशी है और आज के ही दिन गणपति मंडलों से एक तरफ जहां बड़ी बड़ी मूर्तियां निकल रही हैं विसर्जन के लिए, तो वहीं कई ऐसे घर हैं मुंबई में जहां पर लोग बड़े पैमाने पर घरगुती जिसे गणपति कहा जाता है, पप्पा जो घरों में विराजते हैं, उनकी भी मूर्तियां धीरे धीरे घरों से निकल रही हैं, विसर्जन के लिए पहुंच रही है चौपाटियों पर। हम इस समय मुंबई के दादर चौपाटी पर मौजूद हैं जहाँ आप रहे हैं। इस समय जो आप पप्पा की मूर्ति देख रहे हैं करीबन 12 से 13 फुट ऊंची मूर्ति है पप्पा की, और जो एंट्रेंस दिया गया है वहां पर भी पुलिस जो है के जवान मौजूद हैं, साथ ही फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी यहां पर मौजूद है, क्योंकि ज्यादातर समंदर में जिस समय विसर्जन हो रहा होता है तो कई बार ऐसी अप्रिय घटना सुनने को मिलती है कि लोग डूब जाते हैं, या कई बार समंदर के किनारे स्टिंग रे मछलियां काफी बड़ी संख्या में जेलीफिश जैसी खतरनाक मछलियां जो होती हैं वो आ जाती हैं, जिससे लोग कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचता है, उसके शिकार होते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसे में उनके बचाव के लिए लाइफगार्ड के साथ अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड की टीम को भी यहां पर रखा गया है। एक तरफ जहां आप पप्पा की मूर्तियां देख रहे हैं, बड़े मंडलों की जो मूर्तियां मध्यम ऊंचाई की हैं वो जा रही हैं विसर्जित होने के लिए, तो वहीं घर से भी आने वाली छोटी मूर्तियां भी यहां पर धीरे धीरे करके पहुंच रही थी, क्योंकि दिन आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जैसे जैसे शाम की तरफ समय जाएगा और भी बड़ी संख्या में लोग घरों से भी मूर्तियां बड़ी संख्या में लेकर आएंगे और मंडलों से भी दादर की दादर चौपाटी पर विसर्जित होने के लिए पहुंचेंगे। तस्वीर खूबसूरत है, एक तरफ आपको बप्पा जो है उनको यहाँ पर विसर्जित करने की तस्वीर दिखेगी, और पीछे की तरफ अगर आप देखें तो मुंबई की पहचान कही जाने वाली बांद्रा वर्ली सी लिंक भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। बेहद ही सुंदर ये दृश्य यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं एक तरफ बप्पा को विसर्जित करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं मंडलों और घरों से लेकर, क्योंकि ये प्रथा है बप्पा गणेश चतुर्थी पे आते हैं और अनंत चतुर्दशी पर उन्हें विसर्जित किया जाता है। लगभग 10 से 11 दिन तक भक्तों के बीच में रहते हैं, लेकिन इस उम्मीद से लोग विसर्जित करते हैं कि जो पप्पा हैं वो अगले बरस फिर से आएंगे, जिन लोगों के बीच में आएंगे, भक्तों के बीच में आएंगे, उन्हें दर्शन देंगे। और इसी जयकारे के साथ कि गणपति बप्पा मोरिया पुरचा वर्षी लौकरिया, जिसका मतलब है अगले बरस तू जल्दी आ, इस जयकारे के साथ जो भक्त हैं वो पप्पा को फिलहाल दादर चौपाटी पर विसर्जित कर रहे हैं। कैमरामैन संतोष ज्योति के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी।